वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने दशर और आप देख रहे हैं ट्रबल शूटर ब्लॉग्स। तो आज हम यहाँ से निकल रहे हैं खारदुंगला के लिए, जो सेकंड वर्ल्ड हाईएस्ट पास है, और उसके बाद जाने वाले हैं टोटुक। तो टोटुक जो विलेज है वो हाफ इंडिया हाफ पाकिस्तान में है। तो ये वाला ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिएगा ज़रूर। सीधे मिलते हैं आपसे। गाइस निकल रहे हैं यहाँ से अपन लोग खारदुंगला के लिए, जो सेकेंड टोटुक पास है। तैयारी पूरी हो चुकी है, सामान पूरा पैक है, ये गाड़ी चालू करी मैंने। चलते हैं अपन आगे। जय श्री राम, रक्षा करना, सुरक्षित पहुँचे, सुरक्षित लौटे। भैया भैया खारदुंगला, खारदुंगला बंद। तो यहाँ से पढ़ने वाला है कुछ 52 किलोमीटर, उसके बाद अपन जाएंगे बिस्किट। बिस्किट में पेट्रोल पंप मिलेगा, जो कि वहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप है। उधर से कराएंगे अपन फ्यूल अप, और मैंने जेरिकेन ले ली है, तो उनमें अपन भराएंगे पेट्रोल, और वहाँ से निकलते हैं अपन सीधे टोटुक के लिए। बढ़ रही है मित्रों, ग्लव्स निकालने पड़ेंगे जो यहाँ के लिए स्पेशली लाए थे। ये रहे स्पेशली ग्लव्स, को यहाँ के लिए लाए थे, इन्हें पहनने का टाइम है। और जो ये वाले हैं इनको निकाल के अंदर रखने का टाइम है। यहाँ पर 2-3 बाइक मिल गए थे मेरे को, जिनके पास ऑक्सीमीटर था, उसमें चेक करा तो ऑक्सीमीटर दिखा रहा था पहले मेरे 70, फिर दिखाया 64, फिर बाद में मैंने अपने फ़ोन से चेक करा तो फ़ोन में सही दिखा रहा है 99, 98। कि भैया यहाँ पे आके ये सब इन चोचलों में आप बिल्कुल ना फंसे, कि ऑक्सीमीटर का चोचला जमाने का ये सब वो सब। डायमॉक्स यदि आपके पास हो, डायमॉक्स खाना सुबह सुबह यहाँ पर आने के पहले, खारदुंगला, और निकल जाओ। ठंड के मारे हाथ जम चुके हैं, ठंड है भाई, इधर बहुत ठंड है। अभी शायद हम 16,000 फुट के आसपास पहुंच गए होंगे, और अभी हमको 2,500 फुट के आसपास और हमको ऊपर जाना है। बहुत ठंड है भाई, इधर धूप निकलने का सर नहीं हो रहा। गाड़ी दिक्कत कर रही भैया, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन नहीं मिल रही गाड़ी को, पर चढ़ेगी। डोमिनर डोमिनर अपने पहुंचेंगे। चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ाता ही जा रहा है भाई। और यहाँ पे असम और मणिपुर के कुछ राइडर्स आए हैं, जिन्होंने मेरे को अपने ग्रुप का लोगो दिया है। तो एक लोगो मैंने आगे लगाया है और एक लोगो मैंने पीछे लगाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ खारदुंगला टॉप पहुँचने पर।
भाइयों पहुंच चुके हैं अपन लोग खारदुंगला पास। पहुंच चुके हैं अपन लोग खारदुंगला पास ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला 17982। वाह 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 वाह, पहुंच चुके हैं खारदुंगला टॉप पे। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये है खारदुंगला टॉप। ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, तो यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। आपका भाई जबलपुर से आया है सोलो बाइक से, फीलिंग वेरी गुड, फीलिंग एक्साइटेड, फीलिंग ब्लेस्ड। थैंक यू मॉम डैड। हमारा खारदुंगला हो चुका है और यहाँ से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। हमारे बहुत ही अच्छे भाई मिल चुके हैं मेरे को, जो आए हैं बाय असम, बाय असम ड्राइव करके आए हैं खारदुंगला तक। बहुत इसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए इस चीज़ के लिए। तो यहाँ से हम लोग करने वाले हैं पूरा अपना जो हम लोग का पूरा एरिया कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टोटुक, देन नुब्रा वैली, देन सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन बेस कैंप, देन पेंगोंग लेक, एंड देन हानले, एंड द टॉप ऑफ द वर्ल्ड दी होमलिंगला पास। ओके, हाईएस्ट मोटरेबल रोड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड, दी हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो आपसे मिलते हैं आगे। आप देख रहे हैं दिस्कित मोनेस्ट्री। बाइक यहाँ पे पार्क हो चुकी है, अब यहाँ से अपन जा रहे हैं ऊपर। बाकी मेरे को यहाँ पे एक मिल चुका है ग्रुप, ये उसके सारे पूरे मेंबर्स रहे। और भाई लोगों ने दिया है मेरे को स्टिकर, एक ये रहा रॉयल मोटर्स ब्रदर इन द विंड, और एक दिया सामने लगाया मैंने कार्बी एंगलोंग मोटरसाइकिल क्लब बोजारू। तो यहाँ से हम लोग अपनी जर्नी अब साथ में करने वाले हैं पूरी टू पेंगोंग लेक होमलिंगला। और यहाँ से भाई लोगों ने बताया मेरे को कि वी आर गोइंग टू सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप, तो वहाँ भी जाएंगे। एंटर कर रहे हैं हम मोनेस्ट्री के अंदर। तो यहाँ से एंटर हुए हैं अपन लोग, सामने देख रहे हैं आप। कितना सुंदर, कितना प्यारा है। और ये हमारा भाई आ रहा है सामने से, और आप देख रहे हैं ट्रेवल शूटर ब्लॉग्स। तो एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत आज हम करने वाले हैं कवर टोटुक से। टोटुक ये गांव पहले पाकिस्तान के अंडर में था, पर 1971 में ये गांव इंडिया के अंदर आ गया है। तो ये देखिए पीछे पूरे आप पहाड़ देख रहे होंगे, जगह बहुत ही प्यारी है। और हमने कल रात को टेंट में स्टे किया हुआ है, तो सीधे यहाँ से निकलते हैं और आपसे मिलते हैं। मैं था जी, मैं पाकिस्तान में 19 आ रहा हूँ, इंडिया में आकर मेरे को 51 साल हो रहा है जी, मेरे को टोटल 27 साल है जी। ये 1971 का पहले ये चार गांव जो है पाकिस्तान का कब्जे में था जी। बोदांग गांव जानता है आप लोगों को? बोदांग गांव अपना इंडिया का कब्जे में था जी। बोदांग गांव से आप लोग इस तरफ आए तो एक लकड़ी के ब्रिज है सर, ब्रिज है। 1971 का पहले ब्रिज नहीं था जी, इंडिया और पाकिस्तान यही नदी फेंसिंग था। हाँ, ब्रिज जो है 1971 में अपना इंडिया ने बनाया हुआ है। नदी का उस तरफ जो बोदांग का तरफ आपको मैदान दिख रहा है वो पहाड़ पहाड़ थे, अपना इंडिया का था। ये ब्रिज के इस तरफ आप लोग निकला तो रोड में पहुंच गया, वही रोड जो है मैदान जो है वही पहाड़ में पाकिस्तान का पहुँचता है।
है जी। फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आया तो एक मैदान है जी, वहाँ भी एक ब्रिज है। ये चुलुंग का बोलकर इस तरफ एक लंबा सा गांव है, थोड़ा सा नीचे आया वही में भी पाकिस्तान का फौज है उनका कब्जे में है जी। फिर सन 1971 में इंडिया, हाँ ये इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हो गई थी, पहले बांग्लादेश से शुरू हुई। बिल्कुल बांग्लादेश में बहुत लड़ाई, फिर जो कुछ बांग्लादेश में पाकिस्तान का पास था वही अपना इंडिया का फौजियों ने छीन लिया, आज़ाद कर लिया। 96,000 जो है पाकिस्तान का फौज पकड़ा था बांग्लादेश में। अच्छा, फिर हमारे इधर भी लड़ाई शुरू हो गई बांग्लादेश के बाद। हम लोगों को इधर थान से 22 किलोमीटर दूर है चुलुंग का और बौद्धा, हमको तो फिर ये लड़ाई हो रहा बोलते आया कि हम फिर शेर का आवाज़ नहीं सुना। फिर सिर्फ 2 दिन पहले चल गया जी, तीसरा दिन से पाकिस्तान का फौज भगना शुरू हो गया जी, अपना इंडिया का फौज पीछे आते आते पहले चुलुंग का कब्जा कर लिया जी, इसके बाद तुक कब्जा कर लिया जी, इसके बाद क्यासी कब्जा किया जी, इसके बाद थांग। अच्छा, ये 4 गांव जो है सन 1971 में अपने इंडिया ने आज़ाद किया। फिर हम लोगों तो बिल्कुल डरा हुआ था क्योंकि इंडिया बाहर रहते तो कोई पता नहीं थी। फोर्ट को बिल्कुल हम खाने के लिए भी जी नहीं आ रहा था। फिर 2 मेजर फोर लेकर आया, इधर ही पहुंच गया हमारा ये नाले में। हाँ, फौज आर्मी लेके आया, आर्मी। फिर वो रोड नहीं था, ऐसे पैदल आया था। फिर एक तो हमारा लड़ा सिकोट का रिंचन साहब था जी, वो तो बहुत बहादुरी था, वो मेजर था। एक तो जम्मू का था जी इसके सिंह साहब, वो दोनों मेजर फोन लेकर हम घरों में बैठा हुआ था। अच्छा। क्योंकि डर का इंडिया मारेगा रखेगा कोई पता नहीं था उसी टाइम पर। फिर वो लोग ने एक आदमी से मिला, नहीं तुम्हारा गाँव वाले कहाँ गया, हम लोग इतना किलोमीटर हम पाकिस्तान भगा करके आपका सिवाही के लिए आया, तो आपसे मिलने के लिए आया, तो हमको मिलने के लिए हमारा सवाल के लिए कोई नहीं आया, ये क्या वजह बताए तो क्या आएगा सब लोग। लो बिल्कुल डरा हुआ, क्यों हम लोग मारेगा रखेगा कोई पता नहीं था इंडिया कैसे है। अच्छा, हाँ फिर हम लोग डरा हुआ। फिर सब पालन किए या उन लोगों ने बताया, अब क्या सो रहा है आप लोगों को, आप मारने के लिए आया हम। अच्छा। आपको पीने के लिए आया, आपको मारने के लिए पीने के लिए नहीं आया, आपका आज़ादी के लिए। अच्छा। आपका आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। अच्छा। हम ज़मीन से कोई तालो नहीं है, हमको आवाम चाहिए, आप लोगों की सिवाई के लिए आया है हम। आप बेफिक्र रहो, आप फौज का राशन पानी पहुँचा दो, आप फौज का मदद करेगा, फौज आपको मदद करेगा। फिर आपका माँ हमारा माँ है, आपका बहन हमारा बहन है, आपका बेटी हमारी बेटी है, आपका बेट फौज आपको तुम भी नहीं बोलेगा, आप आराम से। फिर हमारे दिल में तस्वीर फिर वही गांव ले लो बोला, वो सुबह सुबह देख रहा है वो पाकिस्तान का है, उसका नाम है फ्रानू। फ्रानू, हाँ वही गाँव ले, क्या नाम क्या? फ्रानू। वही किसी का माँ किसी का बहन किसी का भाई उसी में फंसा हुआ है अभी भी। हाँ अभी फंसा हुआ है, इकहत्तर का लड़ाई में ये गाँव एक ही था जी। अच्छा, ये गाँव एक ही था, ये उधर वाले उधर फंस गया जी, इधर उन लोगों का इधर जमीन था, हम लोगों का उधर जमीन था जी। है फिर वही मगवाले वही में फंस गया जी, इधर वाले इधर, हाँ अभी रहता है ना। फिर हम खुद का हेलो, हम खुद का जो है, मैं 9 साल में शादी किया था जी, माँ बाप को मैं अकेला था, मैं वही गाँव में रहने वाला था जी, वही सुबह सुबह वाला इधर लाश वाला में हमारे घर है। अच्छा। फिर नवंबर में था, माँ बाप ने बोला बेटा तू जाओ उधर, इधर भी जमीन था जी थोड़ा सा, गई लेकर जाओ, पाकिस्तान का ज़माने में जो गवर्नमेंट का खाद हमको नहीं मिलता था, देसी खाद बनाता था। फिर आप जवान है, आप गई लेकर जाओ थोड़ा खाद बना कर आ जाओ, बीवी इधर रखो हम लोगों को खाना छाना बनाने, ठीक है बोला जी। मैं इधर आया नवंबर में, मैं इधर आया जी, 10 तारीख के बाद लड़ाई शुरू हो गई। फिर 14-16 तारीख को यही कब्जा हो गया। फिर वो माँ बाप जो है बीबी जो है वही में भाग गया जी फ्रानू गाँव में, मैं अकेला इंडिया में भाग गया। फिर मैं इधर शादी किया जी, अभी 6 लड़का 1 लड़की हमारा इंडिया में। अच्छा। हालत हम लोगों को हो गया।